थ्री सिटी फॉर्मूले को अप्लाई करें। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, एबी माइंड ट्रेनिंग सेंटर की तरफ से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि थ्री सिटी फॉर्मूले को अप्लाई करिए और अपनी ओसीडी को जड़ से खत्म करिए। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में काफी डिटेल से इसके बारे में बात करेंगे। वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है, वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे और भी बहुत सारे वीडियोज आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। आज का वीडियो हम शुरू करते हैं और जानते हैं कि थ्री सिटी फॉर्मूले को हम किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, आज का जो फॉर्मूला मैं आपको बताने वाला हूँ यह एनएलपी का और ईआरपी का मिक्स फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले को पहले आपने समझना है, पहले पूरा इसको समझिए, समझने के बाद इसको अप्लाई करिए और खुद से ही अप्लाई करना है। किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं होगी, बहुत ही जबरदस्त फॉर्मूला है। आप अप्लाई करोगे आपको रिजल्ट 100% मिलेगा। पहले इसको डिटेल में हम समझते हैं, उसके बाद में इसके ऊपर बात करेंगे कि इसको किस तरीके से अप्लाई करना है। चलिए समझते हैं। थ्री सिटी फॉर्मूले का मतलब है थ्री चेयर टेक्निक। इसको आप समझिए, थ्री चेयर टेक्निक के माध्यम से आप इसको पूरी तरह से समझिए, उसके बाद में आप इसको अप्लाई करिए, आपकी ओसीडी 100% ठीक होगी। मैं काफी बार फील्ड पे इसको अप्लाई भी करवाता हूं और आज के इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं। समझिए, थ्री सी टी टेक्निक का हम अब प्रयोग करने वाले हैं। इसके अंदर आपके पास में तीन चेयर है। पहली चेयर है रेड कलर की, जो आपको परेशानी होती है ना, वो इस चेयर पर बैठते ही आपकी परेशानी एकदम से एक्टिव हो जाती है। ठीक है, आपको जो भी परेशानी है इस चेयर पे बैठोगे परेशानी होगी। दूसरी चेयर है आपकी ब्लैक कलर की, इस पर बैठते हो तो आपको कोई परेशानी नहीं होती है और यह चेयर घूमती है, इस पे आप बैठोगे आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तीसरी चेयर है व्हाइट कलर की, और इस व्हाइट कलर की चेयर के ऊपर जैसे ही आप बैठोगे यह है मैजिक चेयर। जैसे आप यहां बैठे हो तो आपके सर के ऊपर एक लाइट लगी हुई है। ठीक है, लाइट से पूरी रोशनी आपके शरीर पर गिर रही है और इस चेयर का एक फॉर्मूला है कि यह जादुई चेयर है और इसके ऊपर बैठते ही आपको जो भी परेशानी है वह खत्म हो जाएगी। अब जैसे सपोज करो कंटेमिनेशन ओसीडी का मैं एग्जांपल लूंगा, और बहुत बार मैंने कंटेमिनेशन ओसीडी में इसको प्रयोग में लिया है और आज की इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं। समझिए इसको, सपोज करिए इस समय आप बहुत ही साफ और स्वच्छ अवस्था में हो तो आप ब्लैक कलर वाली चेयर के ऊपर बैठे हुए हो। ठीक है, अब ब्लैक चेयर पे बैठे हुए हो, घूम रहे हो काफी मजे से आप हो इस समय। अब सपोज करिए आप घर के बाहर से आए हो, आपको झाड़ू पोछा जो भी छींटा लग गया ये वो हो गया, गंदगी फैलने का डर है, आप रेड चेयर पे बैठ जाइए। अब रेड चेयर तो गंदी है, उस पर बैठ गए आप तो गंदी है तो वो गंदगी गंदगी को ही काट रही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वहां से रिलैक्स होइए। अब आपको स्वच्छ होना है तो आपके पास में क्या फॉर्मूला है? सर मेरे पास में तो यही फॉर्मूला है, जाकर के नहा लूं, कपड़े बदल लूं और इस चेयर के पास में मत आऊं। सिंपल फॉर्मूला है। देखो ये टेम्पररी सॉल्यूशन है और आपका खुद से बनाया हुआ है, मैं तो बोलता हूं गलत सॉल्यूशन है। तो फिर सही सॉल्यूशन क्या है, चलो बताते हैं। सही सॉल्यूशन है सफेद कलर वाली चेयर पर जाकर बैठ जाइए। जैसे ही आप उसके ऊपर बैठोगे वह चलनी शुरू हो जाएगी, घूमनी शुरू हो जाएगी बिल्कुल आराम से, लाइट आपके पूरे शरीर के ऊपर गिर रही है। और जादुई जो चेयर है ना, उसका एक फॉर्मूला है कि आप उसके ऊपर बैठते ही आप स्वच्छ हो जाते हो। अगर आपने कोई चीज का काउंटिंग करना है तो वो भी नहीं करना पड़ेगा, अगर आपको कोई चीजें बार बार चेक करनी है तो वह भी नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि वो जादुई चेयर है ना, वो अपने आप सारा फॉर्मूला ठीक कर देगी। आपको जो मानसिक उलझन बनी है ना सारा ठीक कर देगी, उसके पीछे का कोई डर नहीं रहेगा, कोई घबराहट नहीं रहेगी, कुछ नहीं रहेगी उसके ऊपर बैठते ही, और आप काफी खुशियों भरा अनुभव करोगे, काफी अच्छा महसूस करोगे, आनंददायक स्थिति में आप होगे, ऐसा आपने विजुलाइज करना है। अब इम्पोर्टेंट सवाल निकल करके यहाँ आता है कि सर बैठ तो हम जाएंगे चेयर पे, विजुलाइज भी कर लेंगे, सारा कुछ हो जाएगा, पर इसकी क्या गारंटी है कि इस चेयर पे बैठते ही ये चीज ठीक हो जाती है? सर डाउट तो अभी भी मन में है। अच्छा, डाउट है अभी भी? अच्छा मेरे को एक बात बताओ, आपको किसने बताया था कि तीन बार गिनकर ड्रॉर को खोलने से, बंद करने से, चेक करने से चीज सही हो जाती है? ये फॉर्मूला किसने दिया था आपको, किसने दिया था?
किसी ने नहीं दिया, फिर ये कहाँ से लेकर आए? खुद का है तो खुद ने एक्सेप्ट इसको किया है तो इसको भी तो कर सकते हो ना। हम तो सॉल्यूशन ही बता रहे हैं। लोहे को लोहा काटता है ना, कंपल्शन से कंपल्शन ही तो कटवा रहे हैं। इसमें गलत चीज क्या है? कोई परेशानी नहीं है, मानसिक स्थिति में रहना है कुछ दिन के लिए, उसके बाद में आप ठीक हो जाओगे तो आप अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस खुशियों भरा महसूस करने लगोगे, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। इसमें क्या परेशानी है? तीन बार चेक करने में परेशानी है या सिर्फ दिमाग में ये इतना सा बात सोचने में परेशानी है? कौन सा बेस्ट सॉल्यूशन है? कहते सॉल्यूशन तो आप वाला ही बेस्ट है, फिर अप्लाई क्यों नहीं करते? सर अभी भी सर मजा नहीं आया, और प्रूफ दो। तो मैं सामने से बोलता हूँ, आप भी तो प्रूफ लेके आओ ना, आप तीन बार गिनते हो, क्या ये है सही? तो चार बार गिन लो, ये सॉल्यूशन हो गया, ये सॉल्यूशन तो नहीं हुआ। समझो इस बात को, यहाँ गहराई है बात के अंदर, यही समझ लो, यहाँ आपकी ओसीडी समाप्त हो जाएगी। क्योंकि मैं बहुत सारे वीडियोस आपने मेरे पहले देखे होंगे, इतना डिटेल में मैं नहीं बोलता हूँ, परंतु अभी मैं बोलने लगा हूँ इतना डिटेल में, तो समझिए इस बात को। समय तो इतना हमारे पास में नहीं रहता कि हम इतना डिटेल में जाएं इसके बारे में बात करें, परंतु फिर भी करना पड़ रहा है, तो समझ लीजिए इस बात को और डिटेल में जाइए आप इसके, कि मैं क्या कह रहा हूँ। कंपल्शन से कंपल्शन को काटने का बोल रहा हूँ, जो सेटिस्फेक्शन आपने अपने दिमाग में खुद से तय किया है, तो ये तो मैं बता रहा हूँ ना, इसको अप्लाई करोगे रिजल्ट मिल जाएगा, मैं गारंटी भी ले रहा हूँ इस बात की। आपने तीन बार गिन करके चेक किया है, इसका गारंटी कौन ले रहा है कि इसको करने से ठीक हो जाता है, और पहली बार करोगे तो ये ठीक नहीं होगा, ये इस चीज़ का गारंटी किसने दिया है आपको? किसी ने नहीं दिया है। मैं ये बोल रहा हूँ कि जो फॉर्मूला मैंने दिया है ना, इसको आप अप्लाई कर लो, इसको अप्लाई कर लो 40 दिन, इससे आप ठीक हो जाओगे, मैं गारंटी भी दे रहा हूँ आपको इस बात की। तो ये फॉर्मूला लेना चाहिए या वो वाला लेना चाहिए? तो यही है जो सब्जेक्ट है ना मेरा, और जो मैं आज की इस वीडियो में बताना चाहता हूँ वो यही बात थी, कि इस तरीके से 3CT के फॉर्मूले को आप अप्लाई करिए, रिजल्ट मिल जाएगा, 100% मिल जाएगा। और कंटेमिनेशन OCD में तो खास करके काफी कारगर टेक्निक है ये, और बहुत सारे कंटेमिनेशन OCD के केस में मैं यह फील्ड पे अप्लाई करवाता रहा हूँ, काफी अच्छा रिजल्ट रहा है अभी तक इसका। तो आप भी अप्लाई करिए, आपको भी रिजल्ट मिलेगा। यदि इसको 40-45 दिन फॉर्मूले को अप्लाई करते हो तो रिजल्ट मिलता है, रिजल्ट दिखना आपको 5-7 दिन में शुरू हो जाएगा इसका, करके देखिए रिजल्ट मिलेगा, 100% रिजल्ट मिलेगा। यदि यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, आपको भी OCD, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, फोबिया, इंसोम्निया, हाइपोकॉन्ड्रिया, स्ट्रेस, ओवरथिंकिंग, डिप्रेशन, कोई भी मानसिक समस्या है, दिए गए नंबरों पे कॉल करिए, ऑनलाइन ऑफलाइन हमारे साथ जुड़िए, हमारी मदद लीजिए। आज के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।